एवरीवन, तो अब हम देखते हैं हमारे वर्कबुक की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1, पुट राइट ऑन द कंटेनर विद द मोस्ट लिक्विड एंड पुट क्रॉस ऑन द कंटेनर विद द लीस्ट लिक्विड। हमें यहाँ पे कुछ कंटेनर्स दिए हैं, जिस कंटेनर में सबसे ज़्यादा लिक्विड हो उसके नीचे हमें राइट मार्क करना है, एंड जो कंटेनर में सबसे कम पानी होल्ड किया हुआ हो, कम वाटर होल्ड किया हुआ हो, कम लिक्विड होल्ड किया हुआ हो, उस कंटेनर के नीचे हमें क्रॉस मार्क करना है। सो फर्स्ट हमें जग दिए है 3, सो फर्स्ट जग, सेकंड जग का वाटर लेवल यहाँ पे है, फर्स्ट का वाटर लेवल यहाँ पे है, एंड थर्ड का यहाँ पे। सो सबसे ज़्यादा वाटर कौन से जग में है? फर्स्ट कंटेनर में, फर्स्ट जो जग है उसमें वाटर लेवल सबसे ज़्यादा है, तो उसके नीचे राइट मार्क करना होगा। एंड ये जो सेकंड जग है उसमें वाटर लेवल सबसे कम है, यानी कि उस कंटेनर के नीचे क्रॉस मार्क करना होगा। देन सेकंड हमें 3 ग्लास ऑफ वाटर दिए हैं, फर्स्ट ग्लास इज हाफ फिल, सेकेंड ग्लास इज फुल फिल, एंड थर्ड ग्लास इज क्वार्टर फिल। जो यहाँ पे 3 ग्लास वाटर दिया है उसमें जो फर्स्ट ग्लास है उसमें हाफ पानी है, सेकेंड ग्लास है वो पानी से फुल भरा हुआ है, एंड जो थर्ड ग्लास है उसमें नीचे थोड़ा सा ही वाटर है। सो सबसे ज़्यादा वाटर हुआ जो सेकेंड ग्लास है उसमें। सो सेकेंड ग्लास कंटेन मोर लिक्विड, सो उसके नीचे राइट मार्क, एंड यहाँ पे जो लास्ट वाला ग्लास है उसमें सबसे कम लिक्विड है तो उसके नीचे क्रॉस मार्क करना होगा। देन थर्ड, यहाँ पे हमें वाटर बॉटल दी है, सो फर्स्ट वाटर बॉटल में फुल फिल पानी है, सेकंड में हाफ, एंड थर्ड में सिर्फ थोड़ा सा ही पानी है। सो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा वाटर है यानी कि उसके पास मोस्ट लिक्विड है तो उसके नीचे राइट मार्क, एंड यहाँ पे लेस लिक्विड है तो यहाँ पे आएगा क्रॉस मार्क। देन यहाँ पे ये वाला जो है वो आप लोग अपने आप कर लेना। देन एक्सरसाइज नंबर 2, हाउ मच लिक्विड इज फिल्ड। यहाँ पे लिक्विड एक यहाँ पे बिकर जैसा दिया है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, सो उसमें कितना लिक्विड है वो हमें बताना है। रीड एंड राइट, हमें यहाँ पे रीड भी करना है एंड उसके अकॉर्डिंग राइट करना है। मेजर इन कंटेनर 1 लीटर का है, 1 मार्क इट मीन्स 100 ml। ये जो हमें मेजरिंग कंटेनर जो बीकर दिया है उसमें टोटल वाटर कितना होल्ड हो सकता है? 1 लीटर। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ऐसे लाइन दी है, सो इट मीन्स यहाँ पे 10 मार्क्स दिए हैं। 1 मार्क इट मीन्स 100 ml। 1 मार्क इट मीन्स कितने ml होगा? 100 ml। सो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बीकर है उसमें कितना वाटर है। सो फर्स्ट यहाँ पे जो बीकर है उसमें ओनली 1 मार्क है, वहाँ तक ही वाटर लेवल है, इट मीन्स 100 ml वाटर है। कितना वाटर है? 100 ml। देन सेकेंड, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 and 5 मार्क तक वाटर दिया है, इट मीन्स 5 multiply by 100, इट मीन्स यहाँ पे जो सेकेंड बीकर है उसमें 500 ml वाटर है। देन थर्ड जो बीकर है वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मार्क तक वाटर भरा हुआ है, फुलफिल किया हुआ है, इट मीन्स 7 multiply by 100। वाई वी आर डूइंग मल्टीप्लाई बाई 100? बिकॉज वी नो 1 मार्क इट मीन्स 100 ml वाटर। सो यहाँ पे ऐसे 7 मार्क किए हुए हैं, 7 मार्क तक वाटर है, सो यहाँ पे 7 × 7 100 ml वाटर। देन नेक्स्ट यहाँ पे 1, 2 and 3 मार्क ही दिए हैं, इट मीन्स 300 ml वाटर ये वाला बीकर होल्ड किया हुआ है। देन नेक्स्ट ये जो दोनों है वो आप लोग अपने आप ही कर लेना। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, मैच द पेयर्स। हमें यहाँ पे पेयर्स बनानी है एंड उनको मैच करनी है। सो यहाँ पे हमें कुछ थिंग्स दी है, वो कितना वाटर होल्ड कर पाएगी वो उसके अकॉर्डिंग हमें पेयर क्रिएट करनी है एंड उनको मैच करना है।
सो यहाँ पे फर्स्ट है हमारी जो घर पे वाटर की बड़ी सी टंकी होती है वो, देन है बकेट, देन है ये जो हमारा मिल्क का जो मेजरमेंट के लिए आता है वो है, देन है आई ड्रॉप की बॉटल, देन वन पॉट, देन हमारे घर पे जो ऑयल का टीन होता है वो है, देन है ये बात के लिए, देन कप एंड देन बॉटल। सो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि राइट साइड पे हमें कौन कौन से कितने कितने लीटर और मिलीलीटर दिए हैं। 500 ml, 20 ml, 1000 liter, 500 liter, 20 liter, 1 liter, 15 liter, 5 liter एंड 2 liter। सो फर्स्ट हमारी जो वाटर टैंक होती है वो अराउंड 1000 liter की होती है, सो उसे 1000 liter के साथ मैच करना होगा। देन सेकेंड बॉटल, हमारी जो बकेट होती है, बाल्टी होती है वो, सो बाल्टी होती है उसमें अराउंड 20 लीटर वाटर होल्ड हो पा सकता है, सो उसे 20 लीटर के साथ मैच करना होगा। देन है मिल्क के लिए जो मेजरमेंट के लिए आता है वो, उसके ऊपर लिखा है 2 लीटर का है, सो उसे हमें 2 लीटर के साथ मैच करना होगा। देन है आई ड्रॉप, हम लोग जो आईज में आई ड्रॉप डालते हैं वो, सो यहाँ पे जो आई ड्रॉप है वो ओनली 20 ml की बॉटल है, सो उसे 20 ml के साथ मैच करना होगा। देन हमें एक पॉट जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो पॉट है वो अराउंड 5 लीटर वाटर को होल्ड कर पाएगा, सो उसे हमने 5 लीटर के साथ मैच करना है। देन ये है बात, सो उसमें 500 ml वाटर होल्ड हो पाएगा। देन है हमारा जो कप होता है वो, सो उस कप में अराउंड 500 ml क्या होगा, 500 ml होल्ड हो पाएगा, यहाँ पे इसे यहाँ एंड यहाँ पे उसे यहाँ पे मैच करना है। देन है वाटर बॉटल, वाटर बॉटल में अराउंड 1 लीटर वाटर होल्ड पर हो सकता है, तो उसे 1 लीटर के साथ मैच करना होगा। हम लोग ये भूल गए, जो हमारा ऑयल का टिन होता है वो 15 लीटर का होता है, सो उसे 15 लीटर के साथ हमें मैच करना होगा। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में क्या था जो हमें दिया है उसके साथ हमें पैर करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, से वेदर द वाटर गिवन इन द ग्लासेस इज इनफ मोर और लेस फॉर द जग विद द कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर टिक राइट इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। हमें यहाँ पे ग्लासेस दिए हैं और यहाँ पे 1 जग दिया है, जो जग है उसमें 1 लीटर वाटर होल्ड हो पा सकता है। यहाँ पे हमें ग्लासेस है उसमें जो वाटर दिया है वो वाटर यहाँ पे जो जग है उसको फुलफिल करने के लिए इनफ है, यानी कि जितना चाहिए उतना है, सो इनफ में राइट मार्क करना है। अगर हमें जग को भरने के लिए 1 लीटर वाटर चाहिए एंड उससे ज़्यादा वाटर है तो मोर के नीचे राइट मार्क करना होगा। एंड हमें जग को फुलफिल करने के लिए 1 लीटर वाटर चाहिए बट वाटर कम है, सो लेस के नीचे राइट मार्क करना होगा। सो लेट्स सी फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे 1 लीटर का वाटर जग दिया है एंड यहाँ पे 3 ग्लास ऑफ वाटर दिया है। फर्स्ट ग्लास में है 200 ml, सेकंड ग्लास में भी 200 ml वाटर है एंड थर्ड ग्लास में भी 200 ml वाटर है। सो टोटल वाटर कितना हुआ, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, कितना हुआ, 600 ml वाटर। वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, सो यहाँ पे 1000 ml चाहिए थे बट वाटर कितना है, ओनली 600 ml है, यानी कि वाटर चाहिए 1000 बट है 600 ml, इट मीन्स यहाँ पे लेस वाटर है, सो यहाँ पे लेस के नीचे राइट मार्क करना होगा। देन सेकेंड यहाँ पे 1 लीटर का जग है, हमें 500 ml का ग्लास प्लस 200 ml वाटर प्लस 200 ml वाटर प्लस 200 ml वाटर दिया है। यहाँ पे 0 0, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 8, 9, 9 + 2 = 10, 11, सो टोटल वाटर कितना हुआ, 1100 ml, या फिर उसे बोल सकते हैं 1100 ml वाटर हुआ। यहाँ पे ये जग है उसमें ओनली 1 लीटर वाटर चाहिए था
बट यहाँ पे उससे ज़्यादा वाटर है, इट मीन्स वाटर कितना है, मोर है। सो हमें क्या करना होगा, मोर के नीचे राइट मार्क करना होगा। देन थर्ड, यहाँ पे 1 लीटर वाटर चाहिए एंड 100 ml प्लस 500 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml, इट मीन्स 0 0, 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10। यहाँ पे 1000 ml वाटर चाहिए था एंड 1000 ml वाटर ही है, यानी कि जितना वाटर चाहिए उतना ही है, इनफ वाटर है। सो इनफ के नीचे राइट मार्क करना होगा। देन नेक्स्ट, यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे हमें 1 लीटर वाटर चाहिए था एंड यहाँ पे वाटर कितना है, 500 ml प्लस 100 ml प्लस 500 ml, इट मीन्स 0 0, 5 + 5 = 10, 10 + 1 = 11। टोटल वाटर कितना है, 1100 ml वाटर है। एंड ये जो जग में हमें कितना वाटर डालना था, 1 लीटर, यानी कि वाटर कितना है, ज़्यादा है। सो मोर के नीचे राइट मार्क करना होगा। सो वैसे ही आपको 5 नंबर वाला है वो अपने आप करना है। देन नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं एंड पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हैं। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, वो ब्लैंक में हमें पिक्चर को देख के पुट करना है। सो फर्स्ट, यहाँ पे 200 ml को हमें 100 ml का मेजरमेंट लेना है, फिल्ड विद ब्लैंक टाइम। 200 ml का कुछ वेसल दिया है यहाँ पे एंड यहाँ पे 100 ml का दिया है। 200 ml का वेसल हम लोग 1 टाइम फुलफिल करेंगे, उसके कंपैरिजन में हमें 100 ml का वेसल को कितनी टाइम फिल करना होगा। सो 200 ml डिवाइडेड बाय 100 ml, सो 0000 चला गया, तो क्या बचा, 2 टाइम्स। सो हमारा आंसर आएगा 2 टाइम्स। देन सेकेंड, 1000 ml, 100 ml, हमें 1000 ml वाला जो मेजरमेंट है उसको 100 ml में फुलफिल करना है। सो कितनी बार हम लोग 100 ml का वेसल है उसे भरेंगे तो हमारा 1000 ml होगा वो बताना है। सो 1000 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। सो फिल्ड विथ 10 टाइम्स, यानी कि 100 ml का जो वेसल है उसे 10 टाइम फुलफिल करेंगे तब हमारा 1000 ml हो जाएगा। देन नेक्स्ट, यहाँ पे है 500 ml एंड उसे 100 ml में कन्वर्ट करना है। फिल्ड विथ ब्लैंक टाइम्स, उसे कितनी बार फिल करेंगे 100 ml के वेसल को, सो हमारा 500 ml होगा वो बताना है। सो कैसे करेंगे, 500 ml डिवाइडेड बाय 100 ml, 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा, इट मीन्स फिल्ड विथ 5 टाइम्स। देन ये 4 नंबर वाला है वो आप लोग अपने आप कर लेना। देन 5 नंबर वाला, यहाँ पे हमें एक बकेट दी है, वो है 15 लीटर की, कितने लीटर की है, 15। एंड एक हमें यहाँ पे छोटा सा पॉट जैसा दिया है विच इज़ 500 ml, ये पॉट कितने ml का है, 500 ml का। 15 लीटर, इट मीन्स 15 × 1000, इसे 15 लीटर को हम लोग ml में कन्वर्ट करते हैं। सो 15 के पीछे 1 2 3 0 एंड उसे डिवाइड करना है 500 के पॉट से। सो कितनी बार हम लोग 500 ml वाला पॉट है उसे भरेंगे सो हमारी बाल्टी फुल फिल हो जाएगी वो बताना है। सो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 × 3 = 15 और ये 0 बचा हुआ था वो यहाँ पे आएगा। सो बकेट कैन बी फिल्ड विथ 30 small pots ऑफ वाटर, जो बकेट है वो 30 small pots है, 30 टाइम्स पॉट को फुलफिल करेंगे एंड बकेट में डालेंगे तब हमारी बकेट फुलफिल होगी। देन नेक्स्ट है, पॉट कैन बी फिल्ड विथ ब्लैंक जग ऑफ वाटर, यहाँ पे ये पॉट है वो है 10 लीटर का एंड जग है वो है 1 लीटर का। सो यहाँ पे इसे लीटर में ही रखते हैं, ml में कन्वर्ट नहीं करते हैं। 10 divided by 1, 1 × 10 = 10, इट मीन्स पॉट कैन बी फिल्ड विथ
टेन जग ऑफ वाटर, यानी कि 10 टाइम हम लोग जग में से पानी पॉट में डालेंगे तब हमारा पॉट है वो फिल्ड हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे 10 लीटर का पॉट दिया है एंड 200 ml का हमें ग्लास दिया है। यहाँ पे वन थिंग है वो है लीटर में एंड दूसरा है वो है मिलीलीटर में। सो हमें दोनों को या तो लीटर में कन्वर्ट करना होगा या तो मिलीलीटर में। सो हम लोग इसे जो 10 लीटर है उसे लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो 10 × 1000 / 200 ml। सो यहाँ पे 0 0 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर भी 0 0 कैंसल आउट हो गया। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = क्या हुआ 10, 10 × 5 = 50। सो अब आंसर इज 50। पॉट कैन बी फिल्ड विथ 50 ग्लास ऑफ वाटर। ये पॉट को यही ग्लास से हमें फुल फिल्ड करना हो तो उसके लिए हमें 50 ग्लास वाटर डालना होगा। देन वैसे ही 8 नंबर का है वो आप लोग अपने आप ही कर लेना। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी है जिसे हमें आंसर देना है। फर्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डज द मेजरिंग वेसल ऑफ 100 ml नीड टू बी पोर्ड टू गेट 1 liter ऑफ मिल्क। आपको मिल्क कितना चाहिए, 1 liter मिल्क चाहिए, बट आपके पास जो मेजरिंग वेसल है वो कितने मिलीलीटर का है, 100 ml का। यानी कि आप लोग कितनी बार 100 ml मिल्क लेंगे, सो आपका 1 liter मिल्क होगा वो बताना है। यहाँ पे फर्स्ट थिंग है वो है मिलीलीटर में एंड दूसरी थिंग है वो है लीटर में। सो ये जो लीटर वाला है उसे हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 liter इट मीन्स 1000 ml। सो 1000 ml को 100 ml से डिवाइड करना होगा। 0 0 कैंसल आउट हो गया, इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या मिला, 10। इट मीन्स हम लोगों के पास जो 100 ml का मेजरिंग वेसल है उसे 10 टाइम हम लोग फिल करेंगे तब हमारा जो 1 liter मिल्क है वो होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम डज द मेजरिंग वेसल ऑफ 200 ml नीड टू बी पोर्ड टू गेट 1 liter मिल्क। आपको मिल्क चाहिए 1 liter, आपके पास जो मेजरिंग वेसल है वो है 200 ml का। यानी कि 200 ml का वेसल है उसे कितनी बार आप लोग फुलफिल करोगे, सो आपका 1 liter मिल्क होगा वो बताना है। 1000 / 200, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 5 = 10, इट मीन्स अवर आंसर इज 5। देन नेक्स्ट, टू गेट 1 liter ऑफ मिल्क मेजरिंग वेसल ऑफ ब्लैंक ml इज टू बी पोर्ड ट्वाइस। यहाँ पे टू गेट 1 liter मिल्क, आपको मिल्क कितना चाहिए, 1 liter। मेजरिंग वेसल ऑफ ब्लैंक ml इज टू बी पोर्ड ट्वाइस। आपको आपका जो मेजरिंग वेसल है उसे 1 liter में ओनली 2 टाइम पोर्ड करना है। सो आपका जो मेजरिंग वेसल है वो कितने मिलीलीटर या फिर लीटर का होगा वो बताना है। सो 1000 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, सो जो आंसर मिलेगा हमारा वेसल उतने मिलीलीटर का होगा। सो 2 × 5 = 10, यहाँ पे आया 0 और ये दोनों 0 बचे हुए हैं वो ऊपर चले जाएंगे। इट मीन्स अवर वेसल इज 500 ml। हमारे पास जो वेसल है वो कितने मिलीलीटर का है, 500। देन नेक्स्ट, हाउ मच मिल्क डू वी गेट बाय यूजिंग द मेजरिंग वेसल ऑफ 500 ml ऑफ मिल्क 6 टाइम। आपको 500 ml मिल्क लेना है, आपका यहाँ पे क्या लिखा है, 500 ml का वेसल है मेजरिंग वेसल। आप लोग उससे मिल्क 6 टाइम लेते हो तो आपके पास कितना मिल्क आएगा वो बताना है। सो क्या होगा, 500 ml को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 0 0 6 × 5 = 30। सो आपको 3000 ml इट मीन्स 3 liter मिल्क मिलेगा। सो हमारा आंसर क्या आया, 3 liter मिल्क। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज
एक्सरसाइज नंबर 7, राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर एंड डिटेल्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर को हमें ऑब्जर्व करना है एंड इस पिक्चर के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे हमें टू पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों पॉट्स इक्वल साइज में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक लड़की है लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे एक लड़का है। लड़की के पास जो बॉटल है वो स्मॉल दिखाई दे रही है लड़के की बॉटल की कंपैरिजन में। सो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट इज मीनल, ये जो लड़की है वो है मीनल एंड नरेन, ये लड़का कौन है, नरेन है। मीनल नरेन हैव इक्वल पॉट्स, यानी कि ये दोनों पॉट्स है वो साइज में इक्वल है। मीनल फिल्ड हर बॉटल 15 टाइम फॉर द टैप फ्रॉम द टैप टू फिल हर पॉट। जो मीनल है उसने उसकी जो बॉटल है उसे 15 टाइम फिल किया तब उसका पॉट है वो फुलफिल हुआ। नरेन फिल्ड हिज बॉटल 5 टाइम, नरेंद्र नरेन है उन्होंने सिर्फ उनकी बॉटल 5 टाइम फुलफिल की फिर भी उनका पॉट फुलफिल हो गया। सो यहाँ पे जो हम मीनल है उनकी बॉटल स्मॉल है, नरेन की बॉटल बिग है। सो यहाँ पे नरेन की बॉटल कितनी बिग है वो देखना हो तो क्या होगा, 15 टाइम को 5 टाइम से डिवाइड करना होगा। सो 5 3 15, इट मीन्स जो नरेन है उनकी बॉटल 3 टाइम बिगर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर कैन नरेन्स बॉटल होल्ड देन मीनल बॉटल। नरेन की बॉटल है उसमें कितना पानी होल्ड हो पा सकता है मीनल की बॉटल की कंपैरिजन में। सो हमने देखा कि 15 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, सो क्या आंसर मिला, 3 टाइम। सो यहाँ पे लिखना होगा 3 टाइम उसकी बॉटल बिग होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉटल ऑफ वाटर डू मीनल नीड टू फिल बोथ द पॉट्स। अगर दोनों ही पॉट मीनल है उनको फिल करने हो तो उनको कितने बॉटल वाटर चाहिए होगा वो बताना है। सो वन पॉट के लिए उनको 15 बॉटल लगे, वैसे कितने पॉट है, 2, इट मीन्स 15 multiplied by 2, 15 2 13, यानी कि मीनल है उनको 30 टाइम उनकी बॉटल 2 पॉट्स को फुलफिल करने के लिए भरनी होगी। देन नेक्स्ट बी पॉट 1 पॉट 2 एंड 1 ग्लास दिया है, यहाँ पे लिखा है पॉट नंबर टू होल्ड 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी कि ये जो पॉट नंबर 2 है उसमें कितने ग्लासेस वाटर आ सकता है, 12 ग्लासेस। पॉट नंबर 1 होल्ड ट्वाइस अमाउंट ऑफ वाटर, पॉट 2 है अभी पॉट 1 है उसमें ट्वाइस अमाउंट वाटर आ सकता है पॉट 2 की कंपैरिजन में, यानी कि यहाँ पे 12 multiplied by 2 ग्लासेस होंगे तब उनकी जो पॉट है पॉट नंबर 1 है वो फुलफिल हो पाएगा। सो 12 2 24 होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट 1, पॉट 1 को फुलफिल करने के लिए कितने ग्लासेस वाटर चाहिए, सो 12 multiplied by 2, सो आंसर क्या आएगा, 24 ग्लासेस ऑफ वाटर। देन सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल 2 पॉट सेम एज पॉट 1, पॉट 1 है ऐसे पॉट 2 हो, यानी कि पॉट 1 की ही साइज के 2 पॉट्स हो तो कितना वाटर चाहिए होगा, 1 पॉट जो फर्स्ट पॉट है उसे फुलफिल करने के लिए 24 ग्लासेस वाटर चाहिए, वैसे 2 पॉट्स है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8 2 2 4, टोटल वाटर चाहिए 48 ग्लासेस। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 1 जग लेमन
इज मेड फ्रॉम 6 ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी कि 1 जग लेमन जूस बनाना हो, प्रिपेयर करना हो, सो उसके लिए 6 ग्लास वाटर चाहिए। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू मेक 3 जग्स ऑफ लेमन? आपको 3 जग लेमन जूस प्रिपेयर करना है तो उसके लिए कितने ग्लास वाटर चाहिए होगा वो बताना है। हम लोग बोल सकते हैं 1 जग इज इक्वल टू 6 ग्लासेस। यहाँ पे आपको प्रिपेयर कितने जग करना है? 3 जग। सो 3 जग्स इज इक्वल टू प्लेन ग्लासेस, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3s are 18. It means if you want to prepare 3 jugs of lemon, then you have to use 18 glasses of water. Then second, 1 packet contain 3 liter orange juice. यानी कि जो 1 packet है, उसमें कितना orange juice है? 3 liter. How many glasses of 500 ml can be filled out of it? आपको 500 ml वाले ग्लासेस भरने हैं, सो 3 लीटर में कितने ग्लासेस होंगे वो बताना है। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 3000, वाई 3000, 3 लीटर इट मींस 3000 ml, उसे डिवाइड करना होगा 500 ml के ग्लासेस से, सो 00 कैंसिल आउट हो गया। 5 6 30, इट मींस 6 ml, यहाँ पे 6 ग्लास फुलफिल हो पाएंगे। कितने ग्लास भरे जाएंगे? 6 ग्लासेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बॉटल होल्ड 5 लीटर ऑफ वाटर, महेश ड्रिंक हाफ ऑफ वाटर फ्रॉम इट। जो एक बॉटल है उसमें कितने लीटर वाटर है? 5000 ml, या फिर उसे 5 लीटर वाटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? महेश ड्रंक हाफ ऑफ वाटर फ्रॉम इट। जो 5000 ml वाटर है उसमें से महेश ने हाफ वाटर ड्रिंक कर लिया। हाउ मेनी वाटर रिमेन इन बॉटल, जो बॉटल है उसमें कितना पानी बचा होगा वो बताना है। सो 5 डिवाइडेड बाय 2, जो 5000 ml वाटर है उसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना होगा। सो 5 2 4, यहाँ पे क्या बचा? 5 minus 4 1, देन 0 यहाँ पे आएगा। 5 2 5 10, यहाँ पे 0 0। अब ये दोनों जो 0 बचे, यहाँ पे कितने 0 बचे? यहाँ पे ये दोनों जो 0 है उसे यहाँ पे लिख देने होंगे। इट मीन्स जो महेश की बॉटल होगी उसमें 2500 ml वाटर पड़ा होगा। देन नेक्स्ट है, 1 किटली हैड 500 ml ऑफ टी, संजय ड्रिंक 300 ml ऑफ टी फ्रॉम इट। हाउ मच टी इज लेफ्ट इन द किटली? सो 500 ml टी थी, उसमें से जो संजय है उन्होंने 300 ml टी ड्रिंक कर ली। हमें अब कितनी में किटली है उसमें कितनी चाय बची होगी वो बताना है। सो 500 ml माइनस 300 ml, 0 0, 5 minus 3, यहाँ पे क्या आएगा? 200 ml, यानी कि जो किटली है उसमें अब 200 ml चाय बची होगी। देन नेक्स्ट, यहाँ पे जो सम है दोनों ही सम इजी है, सो आप लोग अपने आप कर लेना। देन है MCQs, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स अल्फाबेटिक ऑर्डर इन बॉक्स। हमें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनका जो आंसर आए वो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से जिसके साथ मैच हो उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर हमें यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट इज 535 ml प्लस 450 ml माइनस 165 ml इज इक्वल टू ब्लैंक ml। सो 535 ml, उसमें हमें फर्स्ट तो 450 ml को ऐड करना है। सो 0 plus 5 5 5 plus 3 6 7 8, यहाँ पे क्या आ गया? 8, 5 plus 4 9, सो कितना हुआ? 985, उसमें से हमें 165 को कैंसिल आउट करना है। 5 minus 5 0,
8 माइनस 6 2, 9 माइनस 1 8, सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? अब फाइनल आंसर इज 820 ml, इट मींस यहाँ पे a लिखना होगा. देन सेकंड 350 ml मल्टीप्लाई बाय 2, 350 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 0, 2 5s are 10, सो यहाँ पे 0, 1 comes as a carry, 2 3s are 6, 6 plus 1 7, सो अब फाइनल आंसर इज 700 ml, सो यहाँ पे a लिखना होगा. देन थर्ड, देर आर ब्लैंक मिलीलीटर इन 6 लीटर एंड 200 ml. 6 लीटर इट मीन्स 1000 ml, 1000 ml प्लस 200 ml, सो फाइनल आंसर मिला 6200 ml. देर आर 6200 milliliter इन 6 लीटर एंड 200 ml, तो यहाँ पे बी लिखना होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज ब्लैंक. हमें कंटेनर में कितना लिक्विड हो पा सकता है वो मेजर करना हो, तो वो लीटर में आएगा, सो यहाँ पे आएगा बी. द पेंट अ रूम 650 ml ऑफ ग्रीन पेंट एंड 275 ml ऑफ येलो पेंट वॉज रिक्वायर्ड. हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ पेंट वॉज रिक्वायर्ड टू पेंट अ रूम. यहाँ पे जो दोनों पेंट दिए हैं उनके ml का एडिशन कर लेंगे, सो हमें फाइनल रूम को पेंट करने के लिए कितना ml पेंट यूज हुआ वो मिल जाएगा. इट मीन्स क्या होगा, 650 प्लस 275, यहाँ पे 5, 7 प्लस 5, 8, 9, 10, 11, 12, हियर कम्स 2, 1 कम्स एज अ कैरी, 6 प्लस 2, 8, 8 प्लस 1, 9, सो अब फाइनल आंसर इज 925 ml, सो यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर डी लिखना होगा. देन नेक्स्ट क्या है, लेट्स डू होमवर्क. यहाँ पे आपको जितना भी होमवर्क दिया है वो आपको अपने आप करना होगा, सो यहाँ पे ये हमारा लेसन फिनिश होता है. थैंक यू एवरीवन.